नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नीचे की साइड मोहरी में, पैंट प्लाजो की मोहरी में पिनटैक्स वाला डिजाइन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये पैंट प्लाजो कटिंग किया हुआ है, ये फ्रंट है ऊपर की साइड और ये बैक साइड है। पूरी मोहरी में, पूरे राउंड में हम यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पिनटैक्स का डिजाइन बना करके आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे साइज नाप लेना है मोरी का। जो साइज है हमारा टोटल यहाँ पे 13 इंच आएगा, 13 इंच, और इसमें हमें 3 इंच का डालना है डिजाइन। तो इस निशान से हम 3 इंच ऊपर तक यहाँ पे डिजाइन डालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके 2 इंच की कटिंग कर लेंगे, मतलब 2 इंच तक, और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा। यहाँ पे ये फोल्ड हो जाएगा और 3 इंच हम इसकी फिर लेंथ बढ़ा देंगे। तो पिनटैक्स डालने के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से 2 पट्टी ली हुई है ऐसे। इनकी चौड़ाई फिलहाल है हमारी 11 इंच की, इस तरीके से देखेंगे लंबाई 11 इंच है, और ऐसे हमने ये मोरी के साइज के हिसाब से ली हुई है। यहाँ पे जो भी मोरी का नाप होगा उस हिसाब से हमने यहाँ पे इस लेंथ में ली हुई है डबल करने के बाद। तो इनमें सबसे पहले हम पिनटैक्स डालना सीखते हैं और ये वाली साइड जोड़ लेते हैं। पिनटैक्स डालने के लिए दोस्तों हम मशीन पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का लगाएंगे ऐसे, और इसी निशान पे हम फोल्ड लगा लेते हैं। फोल्ड लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहां से सिलाई लगाएंगे। अब हम इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे पिनटैक्स को। अब हम यहाँ पे दूसरा पिनटैक्स डालेंगे, तो यहीं से हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना हमें गैप रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए दूसरा पिनटैक्स डालेंगे, बराबर गैप लेंगे। फिर से इस तरीके से सेट करेंगे, बराबर मार्जिन लेते हुए तीसरी सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पिनटैक्स डाल लिए हैं। टोटल पिनटैक्स हो गए हैं हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिनटैक्स हमने डाल लिए हैं। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है वो हमारा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, उल्टी साइड में, जो उल्टी साइड होती है इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग लेनी है और इस तरीके से चिपका लेनी है। पेपर पेस्टिंग पेस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको अच्छे से सेट करना है और जितनी चौड़ाई रखनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे 3 इंच रखनी है तो 3 इंच की ये पट्टी होनी चाहिए और उसके बाद हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा रहना चाहिए।
तो इसमें अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें कैसे लगानी है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड से हम लगाएंगे यहाँ पे 3.5 इंच पर, तो ये 3.5 इंच की सिलाई हमारी यहाँ पे ऐसे जाएगी, और फिर इस पॉइंट से यहाँ पे 3.5 का निशान लगाएंगे, यहाँ से जाएगी हमारी ये ऐसे, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम 3.5-3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। तो यहां से हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। अब जब हम इस साइड में आएंगे तो ये पिन टैक्स हम इस साइड को फोल्ड करेंगे, यही हमारा डिजाइनिंग होगा। यहां पे आपने एक एक पिन टैक्स इस तरीके से सेट कर लेना है, और जो निशान है निशान के बिल्कुल यहाँ पे निशान के ऊपर ही सिलाई आएगी। अब हम दूसरी साइड में इस तरीके से पिन टैक्स को ऐसे पलटेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक साइड की मोरी का कंप्लीट कर लिया है डिजाइन। अब हमें इसे अटैच करना है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक आपस में जोड़ दिए हैं, तो इनके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से रखते हुए ऐसे यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और फिर ये हमारा सीधी साइड में ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी हमने मार्जिन कटिंग किया हुआ है उतना लेते हुए ऐसे हम अटैच करेंगे। जो मार्जिन होता है इसको हम यहाँ पे जितना भी मार्जिन है हमने थोड़ा ज्यादा कटिंग किया था, इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे इंटरलॉक मारने के बाद हम सीधी साइड ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए डिजाइन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जितना मोरी का नाप है उतना यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है।
अब मैं पूरा पोंछा आपको सीधा करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी मोरी का डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड हमारा इस तरीके का डिजाइन होगा, बहुत ही प्यारा सा। इस तरीके से आप पैंट प्लाजो की या कैपरी का कोई भी डिजाइन बना सकते हो, बाजू का भी बना सकते हो इसी तरीके का डिजाइन। तो दोस्तों सेम इसी तरीके से मैं दूसरी मोरी भी कंप्लीट कर लेता हूं। तो दोस्तों दोनों पोंछे हमने कर लिए हैं कंप्लीट। सिंपल सी पिन टैक्स डालते हुए यहाँ पे दोनों पोंछे हमने तैयार करके आपको दिखाए हैं। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा दोस्तों ये डिजाइन है। इस तरीके से आप प्लेन कपड़े को बहुत ही सुंदर सी डिजाइनिंग दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।